दिल्ली के बाहर जाओ कोई कुत्ता नहीं पूछता। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। कांग्रेस को चलाया भी मोहन भागवत और बीजेपी को चला रहा है मोहन भागवत। यहाँ के हिंदू को हिंदू बना के क्या फ़ायदा उनका? 24 का इलेक्शन है, वो किसी को मोदी चाहिए, किसी को राहुल गांधी चाहिए, किसी को केजरीवाल तो किसी को नहीं चाहिए, वो बिचारी मायावती तो किसी को नहीं चाहिए होंगी। मैं तो गुरु नहीं हूँ, मोदी का गुरु मैं हूँ क्या? मैं राहुल गांधी का गुरु हूँ क्या? बुद्ध की शिक्षा शांति की, ये क्रांति की कब से हो गई? 24 में कौन होना चाहिए देश का प्रतिनिधि? अभी मुझे ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, अब्राहम लिंकन की याद आ रही है। अमृत काल चल रहा है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, शायद अब ये शेर सवा शेर हो गया ऐसा लगता है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां कई सारे प्रदर्शन चल रहे हैं। इसी बीच हमें मिले एक भंते जी, इनसे बात करेंगे क्योंकि आप भी देश के नागरिक और देश में तमाम तरह के जो है मुद्दे चल रहे हैं। किसी का शोषण हो रहा है, किसी को गोली मार दी जा रही है, तो किसी के साथ किसी के चेहरे पे पेशाब कर दिया जा रहा है। किस तरीके के जो है ये, क्या ये अच्छे दिन यही है? मेरा नाम भंते दीक्षा भूमि है। बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन के लिए, पंचशील बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन के काम कर रहा हूँ मैं। युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, इस फिलोसॉफी के ऊपर काम कर रहा हूँ। हाँ। तो मुझे ये बताइए, सबसे बड़ी बात ये है, देश का आम आदमी क्यों मरता है? वन मैन वन वोट वन वैल्यू, इन्होंने जो पूरे दुनिया को दिया है ना, देश ने बुद्ध दिया है, देश ने महावीर जी को दिया है, देश ने गुरु नानक जी को दिया है, देश ने बड़े बड़े लोगों को दिया है, और देश आज तक फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, देश सम्राट अशोक का है, सभी लोगों का है ना, देश सोने की चिड़िया है। तो सोने की चिड़िया को ये ऐसा कैसी चिड़िया हो गई, ये बताइए मुझे, है ना। तो मुझे ये बताइए कि क्या करना चाहिए ऐसे वक्त, आप मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए कि एक आदमी को मार रहा है। बुद्ध ने तो ये नहीं कहा, बुद्ध ने तो विजय में, राम ने रावण को मारा क्या? बुद्ध ने तो बोला नहीं कि, बुद्ध ने उस आदमी को माने देवदत्तों का उसका दिमाग चेंज किया। ये हैवान कब पैदा हो गए? तो देश के जितने भी नेता लोग, ये हैवान है कि शैतान है? ट्रेन में एक हादसा हुआ, एक आरपीएफ का जवान जो है वो चुन चुन कर लोगों को गोली मार देता है और कहता है कि देश में रहना है तो योगी मोदी तो कहना होगा। नहीं, ये ऐसे तो कईयों बार आएंगे, कईयों ये करेंगे, है ना। देश जिस जवान, ऐसे कभी नहीं बोला, जो सही जवान होता है वो देश के लिए मर मिटता है। तो मुझे ये बताए, उसके बाप दादा ने कहीं कुर्बानी दी है क्या? ये तो क्या पैसे लेके वो जवान हुआ है? तो जवान ही ऐसा नहीं है, अगर इंसान है तो जवान है। तो जवान आदमी ने जवान के समान रहना, अगर जवान ने अगर पाकिस्तान चाइना को मार के आना तो उसको जवान बोलेंगे ना। तो ये जवान इंडिया के लोगों को मार रहा है तो ये जवान काहे का? और दूसरी बात ये है, उसके दिमाग में जो भरा है थर्ड वर्ल्ड वॉर का भूत, हम हिंदू, हम मुसलमान, हम क्रिश्चियन हैं, जाके विवेकानंद जी के, उन्होंने विवेकानंद जी को नहीं सुनाऊंगा या पढ़ाई नहीं किए होंगे, है ना, या उन्होंने बुद्ध को नहीं मानाऊंगा। हाँ। ऐसा मुझे लगा। वो तो हिंदुत्व और हिंदू बचाओ के नारे के साथ कह रहे हैं कि भाइयों घर से बाहर निकलो, हिंदुत्व खतरे में। साहब ऐसे लोग एक रोज एक ऐसा बोलेंगे, कैसा है कि 24 आ रहे हैं, 24 आ रहे हैं, सूरज और चंद्र, सूरज दिन में एक बोलेंगे और रात में एक बोलेंगे, तो उसको मानना कैसा है? भगवान बुद्ध कहते हैं, आलम कलाम को संदेश देते, ये अगर आपने जो भी सोचा है, आपने जो भी पढ़ा है वो सच है, इसलिए मत मानो, अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से वो सच है करके मानो। किसी ने बोला करके ये सच है या ये झूठ है मत मानो, किसी ने लिखा है या पढ़ा है ये मत मानो, अपने दिमाग से पहले उसके ऊपर खोजो, रिसर्च करो, तभी वो सच है करके बोलो। आपके पुराण में, आपके कुरान में, आपके किताब में जो सच है वो मत बोलो। आपके सीनियर वालों ने, किसी कर्नल, किसी जनरल, किसी ने, मोदी ने, किसी प्राइम मिनिस्टर के अपोजिट ने जो है वो सच मत बोलो। आप वो सच है करके वो देखने के बाद, अपना तर्क लगाने के बाद वो सच है बोलो। प्रधानमंत्री ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। देखिए, वो पहले सबसे बड़ी बात है, मोदी ने कभी संविधान पढ़ा है क्या? मोदी ने कानून पढ़ा है क्या? मोदी कौन से यूनिवर्सिटी में गए हैं क्या, है ना, कौन से लॉ में पढ़ा है क्या? नहीं, जब नहीं पढ़ा तो उसको बोलने वाले जो है उसको ब्रेन बैंक मोहन भागवत होगा, उसका ब्रेन बैंक और कोई होगा, तो शायद मेरे ख्याल से ये मोदी भी जो है ये रैपर है,
ये रैपर है ना, संघ का अगर मेन विचारधारा है वो मोहन भागवत है, तो मोहन भागवत देश को चला रहा है, मोहन भागवत ही सर्वस्व है। अगर अच्छा भी करेंगे तो मोहन भागवत कराऊंगा, और बुरा भी किया होगा तो मोहन भागवत किया होगा। कांग्रेस को चलाया भी मोहन भागवत, और बीजेपी को चला रहा है मोहन भागवत। कांग्रेस तो मोहन भागवत जी, जी, खिलाफ जी, करती है जी जी। बाड़ा साहब मोहन भागवत के पहले जो ये थे बाड़ा साहब देवरस, उन्होंने राजीव गांधी को या नरसिंह राव को उन्होंने चलाया होगा, है ना। तो देश दोनों को लीड कर रही है। तो ऐसा क्यों है कि देश के प्रधानमंत्री को जो है वो मोहन भागवत चला रहा है? शायद मोहन भागवत के गुरु वही है। मैं तो गुरु नहीं हूँ, मोदी का गुरु मैं हूँ क्या? मैं राहुल गांधी का गुरु हूँ क्या? मैं सोनिया गांधी का गुरु हूँ क्या? है ना, मैं तो गुरु नहीं हूँ ना मैं। और मेरे को दलाई लामा जी और भंते ससाई या ऐसे बड़े बड़े लोग जो भदंत हो चुके हैं, अनागारिक धम्मपाल, ये इनके से तो शिक्षा नहीं लिए होंगे। बुद्ध की शिक्षा शांति की, ये क्रांति की कब से हो गई? आप जैसे बौद्ध धर्म की बात करते हैं, वैसे वो हिंदू धर्म की बात करते हैं। हाँ, उनको अभी तक बुद्धिज्म समझा नहीं, दोनों को भी ना, सोनिया गांधी को समझना ना, राहुल गांधी को ना, मनमोहन को ना, उनको है ना, और ना मुझे भी समझाऊंगा ये देश है कि नहीं। तो क्या सारे हिंदुओं को बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए? नहीं, हिंदू उन्होंने वहीं पे रहना चाहिए, और पूरे दुनिया में अगर इनकी औकात होंगी तो जो अभी जो देश के अमेरिका के क्या नाम है उनका राष्ट्रपति, उसको हिंदू बनाने देना चाहिए। वो रशिया के जो अभी बाइडन, उनको हिंदू बना देना चाहिए। अगर वो वहाँ के अरब के जो मुसलमान हैं जो राष्ट्रपति जो उनको हिंदू बना के देना चाहिए। यहाँ के हिंदू को हिंदू बना के क्या फ़ायदा उनका, है ना। जापान के राष्ट्रपति को बनाना चाहिए, वो घर वापसी करा रहे हैं। कौन? मुसलमानों की घर वापसी हो रही है। नहीं, उन्होंने यहाँ से बोलने से घर वापसी नहीं होती है ना साहब, नहीं क्या? वो वहाँ के जो अली जो है वो बोहरा कच्ची, उनको मुसलमान बनाने से, वो तो हिंदू है तो उनको अरबी भाषा सीखना पड़ेगा। तो जाओ वहाँ पे अरबी सीखो और वहाँ पे मुसलमान बन जाओ, वहाँ पे उनको अरबी भाषा में सिखाओ, हिंदू आप हिंदू है करके। अच्छा, मणिपुर की जिस तरीके से घटना हो रही है, हिंसा हो रही है, जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर आई कुछ दिनों पहले, महिलाओं के साथ जिस तरीके से बर्बरता की गई है, क्या कहेंगे उस पर? हिंदू ही हिंदू का विनाशक है, जैसे मुसलमान मुसलमान का विनाशक है, क्रिश्चन क्रिश्चन का विनाशक है। तो मुझे ये लगता है कि 24 का इलेक्शन है, वो किसी को मोदी चाहिए, किसी को राहुल गांधी चाहिए, किसी को केजरीवाल तो किसी को नहीं चाहिए, वो बिचारी मायावती तो किसी को नहीं चाहिए होंगी, है ना। तो सबके अभी पैतृ है 2024 में, अभी सब लोग एक मिल के, अभी वो मोदी हमारा मोदी बोलने वाले आज के दौर बंदर प्रधान, किसी को मुर्मू नहीं चाहिए। मुर्मू है तो देश की राष्ट्रपति, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है आदिवासियों के लिए। तो सबसे बड़ी बात है, जल थल वायु जैसा है, तो वो एक ऐसी देवी है, इस देश की देवी है ना, तो उसको बुरा मत बोलो। वो गांधीजम ये कर रहे, बुरा मत बोलो, कहो बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, है ना। तो राष्ट्रपति हमने उसको एक रबर स्टैंप है या सिर्फ साइन मारने के लिए? और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो जाके वहाँ पे थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है यूक्रेन में, वहाँ पे जाके अगर आती थी हम समझते थे कुछ, अमेरिका में जाके आती थी समझते थे, ये मोदी वहाँ पे जा रहा और यहाँ पे है, उस मुझे समझ में ना, देश चला रहा को। आपने मायावती की बात की, तो मायावती तो खुद ही मैदान में नहीं आना चाहती बीजेपी के खिलाफ। साहब ये ऐसा है, मुर्मू मालूम नहीं थी और राष्ट्रपति कैसी बनी ये पता नहीं चलता, है ना। तो ये मिलावट है, सिंधी की मिलावट, गुजराती की दिखावट और मारवाड़ी की लिखावट, है ना। तो ये तीनों है ना मिल के काम करेंगे, कौन अगले वाला हमारे लिए कहाँ पे आएंगे, और वो लोग पूरे खास सांसद है, आमदार है, खासदार है, उनको कि नहीं वहाँ पे राष्ट्रपति और पंद्रह बनाएंगे। आप किसको चाहते हैं 2024 में, कौन होना चाहिए देश का प्रतिनिधि? अभी मुझे ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल अब्राहम लिंकन की याद आ रही है, जिन्होंने लोगों के लिए काम किया। अभी मुझे अब्राहम लिंकन की याद आ रही है। कौन है ऐसा जो उनके जैसा काम करेगा भारत? एक भी नहीं है, और आगे भी दिखेगा नहीं, एक भी नहीं दिखाई दे रहा। चंद्रशेखर जो है वो तो बहुजनों के लिए काम करते हैं। साहब आपको मालूम है, देखो चंद्र मैं नहीं हो सकता क्या? आप नहीं हो सकता इस देश के राष्ट्रपति, यू आर द मीडिया। अशोक स्तंभ जो है चौथा मीडिया है, तो कोई मीडिया का आदमी क्यों नहीं बना रहे? एक बच्ची अगर 25 साल की अगर वो मणिपुर का क्वेश्चन करती है, इसका मतलब वो राष्ट्रपति के हकदार है।
तो क्यों मुर्मू के अगेंस्ट ऑफ मुर्मू आप क्यों नहीं बने राष्ट्रपति? क्यों तुम्हारा ड्रीम नहीं है क्या 25 साल का आदमी राष्ट्रपति बन सके? अगर आप ये निषेध करते हो, मणिपुर का निषेध करते हो, तो मणिपुर के राष्ट्रपति का जो लोग है, मणिपुर के लोगों ने आप लोगों को राष्ट्रपति क्यों नहीं बनाया? जिन्होंने आंदोलन उसे वो निषेध कर रहे हैं उसके ऊपर क्यों नहीं बना रहे? पॉपुलैरिटी की देश है, जो ज़्यादा फेमस है, जो ज़्यादा लोकप्रिय है, वो गद्दी संभालता है। ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल जो है, मुझे लगता है दलाई लामा जी इस देश के पंतप्रधान बनना चाहिए। मोदी की लोकप्रियता पता है ना कितना देश से विदेश तक फैली हुई है? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, ये सिर्फ जंतर मंतर में है और ये दिल्ली में है। दिल्ली के बाहर जाओ कोई कुत्ता नहीं पूछता। कह रहे विदेशों में डंके बज रहे हैं, विदेशी नीति स्ट्रांग हो रही है, मीडिया में पैसे दिया हुआ है। देखिए साहब, जिसका जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज मोदी की लाठी है, इसके पहले सोनिया गांधी की लाठी थी, इसके पहले और किसी की लाठी होती है? लाठी और भैंस किसी की नहीं होती, खेत उसी का होता है। विदेशों में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। बड़ी अच्छी बात है, अगर उनका सम्मान है, स्वागत है। इसके पहले भी बहुत लोगों को, बड़े बड़े फिलोसोफर है, बड़े बड़े, बाबा साहब अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, बुद्ध को यूनिवर्स ऑफ मास्टर ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है, तो वो तो आज तक किसी ने बताया नहीं। कहते हैं अच्छे दिन है, अमृत काल चल रहा है। धूमिल का एक शेर है, मैंने हर एक को आवाज़ दी, हर एक का दरवाज़ा खटखटाया, जिसकी भी पूछ उठाई उसको मादा पाया। ये धूमिल का शेर है, ये मेरा नहीं है। और वो इकबाल जो साहब था, वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, शायद अब ये शेर सवा शेर हो गया ऐसा लगता है। ठीक है, तो आपने सुना कि कैसे ये सारे जहाँ से अच्छा जो गान था, शेर था, वो अब सवा शेर होकर ही रह गया है। और जो 2024 की जो रणनीति दिख रही है, जो ग्राउंड पर आने के बाद जब पब्लिक से बात करते हैं, तो जितना ही सत्ता पक्ष दावे कर रहा है, रिजल्ट उसके खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन हरिंदर के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।